बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकतंत्र के मंदिर में बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे देश की सियासत में नया भूचाल आ गया था। बीजेपी सांसद ने जिस तरह सदन के भीतर गालियां दी उसे लेकर विपक्ष में नाराजगी बनी हुई है और वो लगातार बिधूड़ी के निलंबन की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी ने अब तक बिधूड़ी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है और इतना कुछ हो जाने के बावजूद पीएम मोदी ने भी चुप्पी साध रखी है। इस बीच दबाव में आकर बीजेपी ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस थमा दिया, जिसका जवाब आज बीजेपी सांसद ने दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के विशेष सत्र में चंद्रयान की सफलता को लेकर चर्चा हो रही थी। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की तरक्की को लेकर संसद में हर नेता वैज्ञानिकों की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की सड़क छाप भाषा संसद में गूंज उठी। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की गालियों से लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा और गरिमा दोनों भंग हो गई। लोकसभा में बीजेपी सांसद बिधूड़ी की दी हुई गालियों के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। इस विवाद से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बीजेपी सांसद को 15 दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब देना था, लेकिन वो दो दिन बाद ही नोटिस का जवाब देने बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे और जेपी नड्डा से मुलाकात। नोटिस में रमेश बिधूड़ी से पूछा गया था कि क्यों नहीं उनके खिलाफ संसदीय भाषा के इस्तेमाल में कार्रवाई की जाए। इससे पहले बीएसपी सांसद दानिश अली ने संसद में उनके खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने पत्र में कहा था कि वो बिधूड़ी के खिलाफ नियम 222, 226 और 227 के तहत नोटिस देना चाहते हैं। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दानिश ने बताया था कि कैसे उनकी वर्बल लिंचिंग की गई है। दानिश अली ने यहां तक कह दिया था कि वो संसद ही छोड़ देंगे, लेकिन बीजेपी ने इतना सब होने के बाद भी अपने सांसद से कड़ी पूछताछ ना करके केवल नोटिस जारी कर दिया, जिसका जवाब देने बिधूड़ी जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। अब इसके आगे बीजेपी और क्या गुल खिलाती है, कैसे अपने सांसद को बचाती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।